तो ये देखो प्यारे बच्चों, ये भी एक बेसिक सवाल आया था 2022 में। कहता है दो स्टेटमेंट है इन्हें एसी सर्किट, द करंट थ्रू द कैपेसिटर लीड द वोल्टेज अक्रॉस इट। ठीक है, क्या एसी सर्किट में जिसमें प्योर कैपेसिटर लगा हुआ है, कुल मिला के केवल कैपेसिटर लगा हुआ है, तो क्या करंट लीड करती है वोल्टेज अक्रॉस? जी बिल्कुल लीड करती है, और वो पाई बाई टू लीड करती है। यहाँ से फेजर डायग्राम देख सकते हो। तो स्टेटमेंट फर्स्ट तो सही है, ठीक है ना। और अगर इक्वेशन लिखते हो यहाँ से, वोल्टेज इक्वल टू बी नॉट साइन ओमेगा टी, तो जो करंट का इक्वेशन आई आया, आई नॉट यहाँ से साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, ठीक है ना। करंट पाई बाई टू लीड करती है यहाँ से, ठीक है ना। तो करंट पाई बाई टू लीड करती है यहाँ से, करंट थ्रू कैपेसिटर लीड, प्योर प्योर कैपेसिटर में पाई बाई टू लीड करती है। तो यहाँ से फर्स्ट स्टेटमेंट, सेकेंड इन एसी से प्योर कैपेसिटर ओनली, फेज डिफरेंस में करंट नहीं, ये प्योर में पाई नहीं होता है, ठीक है, पाई बाई टू होता है प्योर कैपेसिटर में, फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज। तो फर्स्ट बोथ स्टेटमेंट आर करेंट, ये गलत है, ठीक है, बोथ स्टेटमेंट इनकरेक्ट, ये भी गलत है, ये सही है। स्टेटमेंट पीस करेक्ट, स्टेटमेंट रॉन्ग, दैट इज सी ऑप्शन सही है। थैंक यू, बाय, टेक केयर।